स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इतनी घिसी पिटी लव स्टोरी, ये फिल्म वाले घुमा फिरा के एक ही कहानी दिखाते हैं। आखिर में होता क्या है? हीरो हीरोइन से पागलों की तरह प्यार करता है, फिर उससे शादी कर लेता है, और जैसे शादी हो गई उसका प्यार नफरत में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े, शादी हुई नहीं की जिंदगी की बर्बादी शुरू। आपका मतलब ये है कि शादी का दूसरा नाम बर्बादी होता है, और आप मुझसे शादी करके पछता रहे? चाहिए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कमाल है, तू मुझे कामचोर बुलाकर चिढ़ाए तो ठीक है, और अगर मैंने जरा सा क्या छेड़ दिया तो मुंह बुलाकर बैठ जाने का, यू नो। हाँ, बीवियां होती है ऐसी। सही कहा, खास करके तब जब पति ऐसे हो। एरिया में बहुत भयानक आग लगी हुई है और धुएं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी जान बचाओ और भागो। ऐसी आग? बोली, तुम्हारी एजेंसी उस एरिया में? ए, जल्दी फोन करो उधर, जल्दी करो, एक पीछे डालो पास, जल्दी करो, जल्दी। हटो, ये मेरी भी दुकान है, हटो जरा, हटो।
हाँ घोषबाबू, ये आज का हेडलाइन इज इट ट्रू? मतलब ये सब कब कब हुआ? हाँ लेकिन ये अचानक कोई कोई वजह तो होगी। ओके हाँ ओके ओके ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? नीलू बहुत बुरी खबर है। कल रात तापोस की गैस एजेंसी में आग लग गई। पूरा का पूरा दुकान जल गया। राग के अलावा कुछ नहीं बचा। मां बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सिर्फ तापोस की दुकान ही नहीं, आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया। चार पांच दुकानें, आठ दस घर, सब कुछ आग की चपेट में आ गई। 10-12 लोग भी घायल हुए। दो चार की हालत तो बहुत खराब है, सीरियस है। शायद वो पुलिस का कहना है कि यह हादसा गैस लीक होने की वजह से हुई है। पूरा मार्केट 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। दादा की एजेंसी तो उनके लिए सब कुछ थी, अब क्या होगा? हमें दी के पास जाना चाहिए, उसे हमारी जरूरत हो सकती है। मेरे बच्चों की मां बनने का दावा बंद करो तुम। ये फिक्र और जो ख्याल रखने का नाटक कर रही हो वो प्लीज बंद कर दो। तानी, मां, आप लोग जाइए, मैं यही रुकती हूं। गुहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो किसी को तो यहां रुकना पड़ेगा। मुझे पता है तापोस इस वक्त बहुत तकलीफ में है, पर उनके पास उनकी माँ है ना, वो उन्हें संभाल लेंगे। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। मैं भी माँ हूं ना, इसीलिए कुहू के पास रहूंगी। और मैं यहां अपनी कुहू को संभालूंगी और वहां मैं भी होऊंगा। जैसे तू इस घर की बेटी है, मैं भी तो उस घर का बेटा हूं ना। तापोस दादा के मुश्किल वक्त में मैं उनका साथ दूंगा, जैसे तू इस घर को संभाल रही है, मैं उस घर को संभालूंगा। दादा के साथ इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तानी मुझे भी कहाँ पता चला। अरे बाबा मुझे क्या पता था, अभी सुबह 7 बजे था। बोले आके बोलेगी
माँ तुम रो मत, मैं जानती हूँ दादा इस वक्त बहुत टूट गए होंगे, लेकिन माँ तुम्हें ही स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे बाबा के चले जाने के बाद तुमने सारा घर संभाला था, वैसे ही तुम्हें आज दादा को संभालना है। सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें संभाल सकती हो। करूंगी मैं, सब करूंगी। सुन तू थोड़ा देर के लिए आ सकती है? कहना कि तेरा दादा था वो बहुत दुखी, कुछ बोलता ही नहीं है। मैंने कितना कोशिश करा एकदम सत्य में। तू आ जाएगी तो थोड़ा मदद हो जाएगी। आ सकती है ना? मैं नहीं आ सकती, यहाँ पर कुहू का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। कुहू का तो तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक तू मत आ, इतना छोटा बच्ची उसको जरूरत है। तू वही रह, मैं तापुष का ध्यान रख लूंगी। वह पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां ढंग से निभा पा रही हूँ कि नहीं। कल रात के बाद मुझे अपने आप पर शक होने लगा, लेकिन मां तुम यकीन मानो मुझे ऐसा कोई फोन नहीं आया था। थानी चुप, तुझे बोलने की जरूरत है क्या? तुझे जानती नहीं हूँ मैं, सबके लिए इतना कुछ करती है, छोटे से बच्चे की बात तू क्या भूल सकती? तानी तू वही रहे, तुझे वहां रहना ज्यादा जरूरी और मेरा यहाँ रहना। अब तेरी जरूरत नहीं है तानी, क्योंकि अब मेरा बेटा आ गया। दिल गया रिश्ता।